नमस्कार, मैं मिलिंद कोतपलीवार। ये मेरा छोटा भाई सुहास कोतपलीवार। हम हमारा पेट्रोल पंप वीएम कोतपलीवार पेट्रोल पंप जनता कॉलेज चौक चंद्रपुर, इनकी तरफ से पार्थेश्वर समाचार को एक पहले वर्षगांठ के उपलक्ष में हार्दिक शुभकामना देते हैं। पार्थेश्वर समाचार ये राजेश भाई नायडू ने एक साल पहले जो लॉन्च किया था, एक निर्भीड़ और निष्पक्ष पत्रकारिता का एक उत्कृष्ट नमूना है। इसमें किसी भी एक राजकीय दल का इन्होंने कभी समर्थन नहीं किया। जो सही है उसको सही और जो गलत है उसको गलत बताया। आगे भी पार्थेश्वर समाचार काफ़ी प्रगति करेगा, उन्नति करेगा, ये हम शुभकामना करते हैं। और हमारी तरफ से राजेश भाई नायडू और पार्थेश्वर समाचार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। विधानसभा में सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए छात्र शिक्षक माता पिता शिक्षण संस्थान के लिए जुझारू नेतृत्व की जरूरत होती है। यह अफसोस की बात है कि पिछले 10 वर्षों में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के मुद्दे और शिक्षा नीति पर बोलने वाले शिक्षकों का कोई प्रतिनिधि नहीं आया। पूर्व शिक्षक विधायक विश्वनाथ डाय गभाणे ने आगामी चुनाव में विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघ के आधिकारिक उम्मीदवार सुधाकर अडवले को चुनने की अपील की है। रविवार 27 फरवरी को जिजाऊ हॉल में विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघ का अमृत महोत्सव जिला स्तरीय वार्षिक अधिवेशन हुआ। इस अवसर पर वे उद्घाटन वक्ता के रूप में बोल रहे थे। अध्यक्षता में प्रांतीय अध्यक्ष श्रवण बर्दे थे। इस अवसर पर सरकारीवाह सुधाकर मधुकर चाफले, राजेंद्र खाड़े, जगदीश जुंघारी, रमेश काकड़े, श्रीधर खेड़ीकर, जयप्रकाश धोटे, अविनाश बड़े, गजानन गावड़े, केशव राव ठाकरे, कार्यवाहक श्री हरी शेंडे उपस्थित थे। अमृत महोत्सव के अवसर पर पूर्वधर्म माध्यमिक शिक्षक संघ के मार्गदर्शक पूर्व विधायक डी डाये गवाहाणे 75 साल के हो गए हैं। इस अवसर पर उनकी पत्नी का अभिनंदन किया गया। डोनेट कार्ड के संस्थापक सारंग बोबडे को भी फोर्ब्स की सूची में समाविष्ट होने पर सम्मानित किया गया। विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघ के सुधाकर अदबले ने विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने गैर शिक्षण कर्मचारियों के लंबित मुद्दों को न्याय दिलाने के लिए विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघ के हाथ मजबूत करने की अपील की। परिचयात्मक भाषण जिलाध्यक्ष केशव ठाकरे ने किया। श्री हरी शेंडे ने चंद्रपुर जिला कार्यकारिणी द्वारा किए गए बड़े आंदोलन की समीक्षा की। सम्मेलन में शिक्षकों की लंबित मांगों पर चर्चा की गई। नागपूर शहर एक वर्ष गाँव का काम करते हैं।